तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। जैसा कि आप सभी को पता है, खाद्य सुरक्षा के फॉर्म अप्रूवल होना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि जिन्होंने भी खाद्य सुरक्षा के फॉर्म भरे थे उनका फार्म पास होकर के और उनका खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र भी आ चुका है। जैसे हम जाति मूल के लिए प्रमाण पत्र निकालते थे, बिल्कुल वैसे का वैसे एक प्रमाण पत्र निकलता है। यहाँ पर स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार का प्रमाण पत्र आ रहा है। चलिए अभी हम इसके अंदर देख लेते हैं कि प्रमाण पत्र में लिखा हुआ क्या क्या होता है और हम किस प्रकार से इसको प्रिंट करके देना है। तो प्रिंट करके देने की तो प्रोसेस सेम टू सेम रहेगी। जैसे आप जाति मूल प्रिंट करते हो वैसे का वैसे टोकन नंबर कॉपी किया और प्रिंट किया, तो वैसे का वैसे आपको प्रिंट कर देना है। अब जिन्होंने आवेदन करवाया था और उस आवेदन में अपना जो नंबर लगवाया था वो व्हाट्सएप नंबर अगर लगवाया था, तो जैसे ही उनका आवेदन पास हो जाता है यानी कि आवेदन अप्रूवल हो जाता है, तो उनका जो सर्टिफिकेट है उनके व्हाट्सएप पर भी भेज दिया जाता है। यानी कि अगर आप ई मित्र से प्रिंट नहीं करवाते हो और आपका व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ था और आपका आवेदन अप्रूवल हो गया है, तो आपका सर्टिफिकेट बनकर के ऑटोमेटिक ही आपके व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर पे भी बहुत से सर्टिफिकेट आ रहे हैं। मेरे पास भी वैसे बहुत से कस्टमर आए थे, मेरे को पता चला कि व्हाट्सएप पे भी इस प्रकार के सर्टिफिकेट आ रहे हैं। अब उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ क्या है और किस प्रकार से आप देख सकते हो, तो चलिए हम वो सर्टिफिकेट देख लेते हैं। आपको डिस्प्ले में सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने प्रमाण पत्र। जैसा कि हमारा जाति मूल का प्रमाण पत्र आता है, बिल्कुल वैसे का वैसे ये प्रमाण पत्र आया है, जिसके अंदर लिखा गया राजस्थान सरकार कार्यालय उपखंड अधिकारी रावसर, यानी कि SDM ऑफिस हमारा जो भी था वो ऑफिस लिखा गया है। नीचे जिला लिखा गया है और उसके नीचे एक लाइन लिखी गई है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA में समावेशन इंक्लूजन, यानी कि खाद्य सुरक्षा में जोड़ने हेतु। नीचे क्रमांक नंबर दे दिया गया और नीचे दिनांक दी गई है जिस दिनांक को यह आवेदन पास हुआ था, यानी कि आवेदन अप्रूवल हुआ था। ये मेरे पास में आ तो उसी दिन गए थे, लेकिन मैं इनसे सर्टिफिकेट लेना भूल गया था, तो आज सर्टिफिकेट लेके वीडियो बना रहा हूँ। जिसके अंदर लिखा गया है अपीलार्थी उनका नाम, उसके बाद उनका एड्रेस, उनके बाद उनका जन्म आधार कार्ड नंबर, विकास अधिकारी तहसीलदार जो भी अधिकारी होता है आपका, वो उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम तथा संबंधित सक्षम अधिकारी की अनुशंसा एवं समय अपीलार्थी की समय घोषणा के आधार पर समावेश में पात्रता मापदंड के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के अंतर्गत चयन का पात्र पाया गया है। उक्त लाभार्थी यानी कि अपीलार्थी जन आधार कार्डधारी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA में सम्मिलित ऑनलाइन सम्मिलित करने के आदेश दिए जाते हैं। उसके नीचे जस्ट लाइन लिखी गई है जो कि आप देख सकते हो, इसमें लिखा गया आज दिनांक 28/11/2022 को यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA में समावेशन इंक्लूजन मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। नीचे आपका जो ट्रांजेक्शन यानी कि टोकन नंबर था वो दिखाई देता है। समावेशन की प्राथमिकता श्रेणी है, यानी कि इसको किन श्रेणी के आधार पर जोड़ा गया है, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हो। 5A के अंदर मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, यानी कि जो पेंशन आती है इनकी वो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना की आती है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको खाद्य सुरक्षा में जोड़ा गया है। नीचे लिखा गया नोट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA में समावेशन डिजिटल हस्ताक्षरित है, अतः सभी कार्यों के लिए मान्य है, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट है वो सभी काम के लिए मान्य रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA में समावेशन का सत्यापन, यानी कि इस वेबसाइट पे और जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वहाँ पे टोकन जो नंबर मिला है आपको वो लगा करके आप देख सकते हो। नीचे आपका उपखंड अधिकारी का नाम आ जाता है और यहाँ पे QR कोड आ जाता है, और नीचे जिनके डिजिटल सिग्नेचर जिनके नाम से डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई, यानी कि जो सक्षम अधिकारी है जिन्होंने डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई किया उनका नाम और वगैरह यहाँ पे आ जाता है, तो वो भी यहाँ पर देख सकते हो। मैंने सिक्योरिटी जन के कारण ये सभी चीज़ हाइड कर दी है, बाकी मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखा दिया है। ऑनलाइन जाति मूल निकालते हो वैसे निकाल। तो दोस्तों, आपने आधार खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड सर्टिफिकेट देख लिया होगा और आपको भी पता चल गया होगा कि किस प्रकार का सर्टिफिकेट आ रहा है। रही बात अब जिन्होंने भी अपना आवेदन करवाया था, वो सभी अपना आवेदन ई मित्र पर जाकर के चेक करवा ले, और ई मित्र धारक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सभी के आवेदन चेक करके और एक बार सभी को फोन कर दे जिनका भी आपने आवेदन किया है कि आपका आवेदन सेंड टू बैक आया है, यानी कि जिनके आवेदन में कमी आई है उनको ही फोन करे सिर्फ, ताकि वो अपनी कमी का सुधार करवा सके और सुधार करवा करके दोबारा से जल्दी जितना जल्द हो सके अपना आवेदन करवा दें, ताकि उनका आवेदन अप्रूवल हो जाए। अब आपको कमी किस प्रकार से देखनी है, तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है किस प्रकार से सुधार करना है, तो इस पर मैं वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो डायरेक्ट आप वहाँ से देख सकते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।